पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। तो देखो यार, आज की जो वीडियो है ना, पूरी तरीके से अल्लू अर्जुन फैंस के लिए होने वाली है, जो कि पुष्पा के पार्ट नंबर 2 का वेट बहुत टाइम से कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पार्ट नंबर 2 को लेके ऐसे रूमर्स चल रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो सकती है। अब उसके पीछे कितनी सच्चाई है, इसको लेके लेटेस्ट अपडेट क्या है, आपको सब कुछ जानने को मिलने वाला है। बट बिफोर दैट, हाय एवरीवन, वेलकम टू सिनेमा लाइव 33। तो आप लोगों का फिर से एक और नए अपडेट वीडियो में स्वागत है। विद दैट बीइंग सेड, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखो, जो ये रूमर है वो फैलना शुरू होता है पुष्पा 2 मूवी से नहीं, एक्चुअली देवरा मूवी से, जो कि आपको 8 अप्रैल को देखने को मिलने वाली है। और उसका काफ़ी सारा काम अभी भी पेंडिंग बाकी है और उस चक्कर में रूमर फैलता है कि ये पोस्टपोन होने वाली है। साथ में एक और वहाँ पे एक्सीडेंट होता है जिसके अंदर सैफ अली खान थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं। और ये रूमर इतनी बुरी तरीके से फैलता है कि भाई साहब ये पोस्टपोन हो जाएगी। और देवरा मूवी के मेकर्स ने इस बात को आके कंफर्म किया कि हाँ, इनके पोस्टपोन होने के चांसेस हैं, लेकिन उसका रीज़न ना तो सैफ अली खान है बल्कि इनके बहुत सारे VFX ऐसे शॉट्स बाकी हैं जो कि टाइम मांग रहे हैं। हम लोग चाहते नहीं कि ऑडियंस को कुछ भी ऐसे ही परोस दिया जाए, तो एक अच्छी मूवी बनाने के लिए उनको टाइम चाहिए, जो कि डेफिनेटली समझने वाली बात है। और फिर यहाँ से फैलती है स्पेकुलेशन कि देवरा मूवी अपनी डेट को चेंज करके 8 अप्रैल को छोड़ के जाएगी 15 अगस्त पे, जिस दिन पुष्पा का पार्ट नंबर 2 आना है, और पुष्पा चली जाएगी क्रिसमस 2024 पे। कुछ भी। और फाइनली मैं आप लोगों को इस बात को बता दूं कि पुष्पा का पार्ट नंबर 2 पोस्टपोन नहीं होने वाला है, वो अपनी डिजायर्ड पहले से डिजाइन डेट के ऊपर ही आएगा, यानी कि 15 अगस्त 2024 को आपको पुष्पा का पार्ट नंबर 2 देखने को मिलेगा। और इसके मेकर्स बहुत टाइम पहले ही इस बात को बोल चुके हैं कि हम लोगों ने बहुत समझ से, बहुत चीज़ों को ध्यान में रख के इसकी डेट फिक्स की है, वहाँ पे चाहे क्लैश किसी के साथ भी हो, लेकिन पुष्पा का पार्ट नंबर 2 अपनी डेट चेंज नहीं करेगा। और ये तो बहुत पुरानी बात है, और कल का ही एक इंटरव्यू सामने निकल के आ रहा है जिसके अंदर उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया है कि अभी भी इनकी 100 दिन की शूटिंग बाकी है और मूवी को रिलीज होने में 180 दिन का टाइम बाकी, यानी कि लगभग 6 महीने का टाइम बाकी है, और ये बहुत आराम से उसको पहले ही निपटा लेंगे। तो आपको प्री डिफाइंड टाइम के ऊपर ही, यानी कि 15 अगस्त को ही पुष्पा का पार्ट नंबर 2 देखने को मिलेगा। तो अल्लू अर्जुन के जितने भी फैंस हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है कि क्या ये पोस्टपोन होगी पोस्टपोन नहीं होगी। जो भी फैला है पूरी तरीके से रूमर है, ऐसी कोई अपडेट निकल के नहीं आई है, लेकिन अगर फिर भी चेंज होता है तो आपको चैनल पर जानने को मिल जाएगा। लेकिन अब तक इसकी रिलीज डेट जो है वो 15 अगस्त ही रखी गई है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये चेंज नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है कि मैंने पर्सनली आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर कर दिए हैं कि कहाँ से ये भसड़ शुरू हुई है और क्या चेंज कुछ हुआ है नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों ने इस अपडेट को यहाँ तक देखा और आपको ये अपडेट पसंद आई है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो, और आपके क्या थॉट्स हैं और आप कितना वेट कर रहे हो इसका नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसी वीडियोस को लाता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग सिनेमा अलाइव 33।